हेलो गाइस, माय नेम इज रितेश और स्वागत है आपका बॉक्स ऑफ रेसलिंग में। तो आज का स्मैकडाउन हो चुका है। अंकल हाउडी ने भाई ब्रे वाइट पे अटैक कर दिया, जॉन सीना ने भाई हरा दिया रोमन रेंस को, सब चीज के बारे में बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग यहाँ ब्रे वाइट करते हैं। ब्रे वाइट आके बोलते हैं कि उन्होंने आज तक जो भी हॉरिबल चीज किया है वो इन सब चीजों की वजह से WWE में आज यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसका भाई उनको कोई भी रिग्रेट नहीं है। लेकिन लास्ट वीक जो उन्होंने कैमरामैन के साथ किया उसको लेकर भाई उनके मन में एक पछतावा है, जिसके लिए भाई वो सॉरी भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एले नाइट आके इंटरप्ट करते हैं ब्रे वाइट को, और ब्रे वाइट को बोलते हैं कि भाई तुम झूठ बोलते हो, तुम फ्रॉड हो, और रिंग में आकर भाई एक 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं, वो भी रॉयल नंबर में, जिसको भाई ब्रे वाइट एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं अंकल हाउडी का अपीयरेंस होता है। इस टाइम पर लग रहा था कि भाई दोनों बंदे मिलकर एले नाइट पे अटैक करने वाले हैं, लेकिन एक शॉकिंग चीज हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। अंकल हाउडी अटैक कर देते हैं ब्रे वाइट के ऊपर, सिस्टर एबिगेल लगा देते हैं और फिर वहां से चल जाते हैं। यार मतलब WWE लेयर वाइज लेयर क्या स्टोरी लाइन कमाल का इसमें बुक कर रही है। अब अंकल हाउडी ने अटैक क्यों किया ब्रे वाइट के ऊपर, इसका तो भाई हमारे पास कोई आंसर नहीं है। लेकिन रॉयल रंबल में एक मैच ऑफिशियल हो गया है, एले नाइट वर्सेस ब्रे वाइट, जो भाई देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट सोलो सिको वर्सेस शेमस का मैच होता है। मैच काफी कमाल का था। स्टार्टिंग में थोड़ा क्रॉस लाइन भाई दोनों के बीच हमें देखने के लिए मिलता है। शेमस क्रॉस लाइन लगा देते हैं सोलो सिको को, रिंग के बाहर फेंक देते हैं। सोलो सिकोवा भी भाई एकदम गुस्सा हो जाते हैं, चेयर लेके जाते हैं कि शेमस के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन उसे समझाते हैं भाई रुक जाओ यार, नहीं तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। फिर इस मैच में कुछ अमेजिंग मूव्स हमने देखने के लिए मिलते हैं। शेमस यहाँ पर रनिंग नहीं लगा देते बट सोलो सिकोवा किक आउट कर देते हैं। एंडिंग में शेमस बैक ब्रेकर लगा देते हैं, सबमिशन लगाते हैं, लेकिन बाहर से द उसोस भाई डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके वजह से भाई रिंग साइड पर द उसोस और ब्रॉलिंग बूट्स अपने में लड़ जाते हैं। शेमस टॉप रोप से भाई द उसोस के ऊपर भी कूद जाते हैं, तो भाई पूरे मैच में यहाँ पर बवाल हो रहा था। अब इतने डिस्ट्रैक्शन के चलते सोलो सिको अपना फिनिशर लगाते हैं शेमस को और इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी भाई द ब्लड लाइन यार रुकती नहीं है, शेमस के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शेव करने आ जाते हैं ड्रू मैकइंटायर। जिमी उसो को क्लेमोर किक लगाते हैं, सोलो सिको जे उसो भाई सबको रिंग के बाहर फेंक देते, तो भाई काफी कमाल का ये मैच था। नेक्स्ट फिर वुमेन चैंपियनशिप मैच होता है, रकुल रॉड्रिग्यूज वर्सेस रोंडा रॉजी, जिसमें भाई भले ही रकुल इस मैच को जीत नहीं पाती है क्योंकि उनका एक आर्म पहले से इंजर्ड होता है, लेकिन रोंडा राउजी को भाई क्या मारा है उन्होंने, जिसको देख के भाई मजा आ गया। पूरे मैच में भाई उठा उठा कर फेंक रही थी रोंडा राउजी को एक साइड से दूसरे साइड। मैच के बाद शॉकिंग चीज हमें ये देखने के लिए मिलता है कि भाई शार्लेट फेयर का रिटर्न हो जाता है। वो रिंग में आती है और चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर देती है रोंडा राउजी को और बोलती है वो भी मैं आज लड़ूंगी। रोंडा राउजी एक्सेप्ट करती है, मैच स्टार्ट होता है, शार्लेट फेयर स्पीयर लगाती है, लेकिन रोंडा राउजी वहां पर अपना सबमिशन लगाने जाती है, लेकिन रोल अप करके शार्लेट फेयर इस मैच को जीत जाती है। तो काफी शॉकिंग चीज हमें देखने के लिए मिला और वो बन चुकी है अपनी न्यू वुमेन्स चैंपियन। नेक्स्ट फिर शो पे इंपीरियम आते हैं, एक वीडियो क्लिप हमें देखने के लिए मिलता है कि भाई आज तक उन्होंने कितने सारे बंदों को हराया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अभी ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं और चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं गुंथर को, जिसके बाद इंपीरियम भाई अटैक भी कर देती है ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, चेयर से भी मारती है। रेफरी सारे आ जाते हैं कि भाई इन दोनों को अलग करें, लेकिन भाई गुंथर छोड़ते ही नहीं है ब्रॉन स्ट्रोमन को। तभी भाई एकदम हीरो के स्टाइल में अपने रिकोशे आ जाते हैं, भाई उनका जो स्टाइल था ना एंट्रेंस एरिया से आते रहते वो एक जंप मारते हैं, तो एकदम हीरो के तरह लग रहे थे। रिकोशे रिंग में आते हैं और तभी इंपीरियम के सारे बंदे भाग जाते हैं, लेकिन जाते जाते गुंथर के ऊपर एक चेयर शॉट लगा ही देते हैं रिकोशे। फिर WWE ये मैच भी ऑफिशियल कर देती है, ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस गुंथर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जो स्मैकडाउन में होगा 2 हफ्ते बाद। नेक्स्ट फिर शो का मेन इवेंट आता है, आई नो जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिसके लिए भाई सब लोग वेट कर रहे थे, जॉन सीना एंड केविन ओवेंस वर्सेस रोमन रेंस एंड सैमी जेन। मैच केविन ओवेंस और सैमी जेन स्टार्ट करते हैं, कपल ऑफ पंचेस हमें भाई दोनों के बीच देखने के लिए मिलता है। फिर केविन ओवेंस बोलते हैं अपने ट्राइबल चीफ को टैग करो, और फिर भाई रोमन रेंस रिंग में आ जाते हैं। रोमन रेंस बोलते हैं तुम जाओ यार, केविन ओवेंस जॉन सीना को भेजो यहाँ पर, फैंस यहाँ पर चांस कर रहे थे, वी वांट सीना। लेकिन तभी रोमन रेंस एक क्लोज लाइन लगा देते हैं केविन ओवेंस को, फिर सैमी जेन टैग इन करके मैच में आते हैं। केविन ओवेंस रोमन रेंस को मार के रिंग से नीचे गिरा देते हैं और सैमी जेन को भाई हाफ सुप्लेक्स लगाते हैं, क्रॉस लाइन लगाते हैं। फाइनली हमें टैग देखने के लिए मिलने वाला होता है जॉन सीना का, लेकिन रोमन रेंस भाई रिंग साइड से आके जॉन सीना को खींच लेते हैं और बैरिकेड पे लड़ा देते हैं। फिर सैमी जेन भी भाई अपना हलोवर किक लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर। तो अब केविन ओवेंस के पास भाई कोई भी नहीं था टैग करने के लिए। फिर सैमी जेन केविन ओवेंस को भाई हलोवर किक लगाने जाते हैं, लेकिन केविन ओवेंस भाई इसको काउंटर करते हैं, सुपर किक और पॉपअप पावर बम लगा देते हैं। जैसे ही पिन करते हैं 1, 2 और 3 होने वाला होता है, लेकिन रोमन रेंस पिन आके रोक देते हैं। फिर केविन ओवेंस भाई पॉपअप पावर बम लगाते हैं रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन रोमन रेंस इसको काउंटर कर देते हैं और सुपरमैन पंच लगा देते हैं। फिर स्पीयर के लिए जाते हैं, लेकिन वो स्पीयर लग नहीं पाता है क्योंकि केविन ओवेंस वहां से हट जाते हैं और रोमन रेंस जाके अपने रिंग पोस्ट पे लड़ जाते हैं। फिर इसके बाद हम मैच में देखते हैं, फाइनली केविन ओवेंस भाई टैग कर देते हैं जॉन सीना को। सैमी जेन रिंग में रहते हैं, रोमन रेंस भी भाई सुपरमैन पंच लगाने जाते हैं जॉन सीना को, लेकिन जॉन सीना भाई दोनों को थंडर ड्राइव लगा देते हैं
और केविन ओवेंस को टैग इन करते हैं। दोनों बंदे भाई यहाँ पर मिलके फाइव नफल शफल लगा देते हैं। देन जॉन सीना यहाँ पर रोमन रेंस को डबल ए लगाते हैं, केविन ओवेंस स्टनर लगाते हैं सैमी ज़ेन को 1-2-3 और इस मैच को भाई जॉन सीना और केविन ओवेंस जीत जाते हैं और शो यहाँ पर खत्म हो जाता है। जैसे भाई हमने सोचा था, जैसा रूमर आ रहा था कि सैमी ज़ेन भाई धोखा देंगे रोमन रेंस को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओवरऑल आज का शो भाई सच में 5-स्टार शो था। आपको कैसा लगा कमेंट जाके जरूर बताएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपके लाते रहेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी। गुड बाय।